फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ एक सिंपल सी ड्राइंग शेयर करने जा रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ यूज़ करके डर्बेंट ग्रेफाइट पेंसिल्स, जिसमें कि 24 शेड्स ऑफ पेंसिल है। और ये बहुत मैजिकल सी पेंसिल है, क्योंकि इसको इससे कलर फिल करने के बाद विल यूज़ ब्रश एंड वाटर एंड इट विल जस्ट मैग्नीफाई द इफेक्ट ऑफ द कलर्स। और देखिए कि कैसे मैजिकल है। So let's begin the video and watch the video till the end and I hope आपको ये बहुत अच्छे colors लगेंगे और ये drawing भी आपको बहुत अच्छी लगेगी and tell me in the comment section कि आपको कैसा लगा। Hello friends, आज की drawing हम करेंगे इस Darwin pencils को use करके। और ये बहुत ही magical सी pencil है, जैसे कि मैंने introduction में आपको बताया कि इसको coloring करने के बाद हम इस डॉग पे हल्का हल्का कलरिंग करेंगे। मतलब जो हेयर्स है उसको हम उस तरह से ही ब्रश कर रहे हैं जिस तरह से उनकी हेयर्स होती हैं। इसको धीरे धीरे शेडिंग के टाइप पे करते करते हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ 4 या 5 टाइप्स की पेंसिल, 3 शेड्स ऑफ ब्राउन एंड 1 लाइट पर्पल एंड ब्लू, ताकि इसका बहुत ही अच्छा लुक आए। एंड ब्लैक ऑल्सो फॉर आइस, ब्लैक एंड ब्राउन फॉर आइस। जब तक मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, तब तक आप मेरी और भी वीडियोस को देख सकते हैं। और कुछ लिंक्स जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किए हैं। यू कैन आल्सो गो थ्रू द अदर वीडियोस ऑफ माय चैनल एंड इफ़ यू लाइक द चैनल डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यहाँ पे हम इसकी आइज़ ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले मैं इसकी आउटलाइनिंग करूँगी लाइट ब्राउन कलर से एंड देन मैं इसको धीरे धीरे करके ब्लैक से करूँगी एंड एक डार्कर शेड ऑफ ब्राउन को यूज़ करके मैं इसको कंप्लीट करूँगी। दोनों आइज़ हमें यूनिफॉर्मली ड्रॉ करनी है एंड जो इसका स्पेक्स है उसको भी मैं थोड़ा सा शेड करूँगी, ताकि वो थोड़ा 3D इफेक्ट से बाहर की तरफ उसको पेंट करूँगी। अब हम यूज़ कर रहे हैं वाटर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि वाटर को यूज़ करने से ये बहुत ही वाइब्रेंट कलर लुक देगा। एंड देखिए कि जैसे जैसे हम इसको पानी लगा के कर रहे हैं, जो मैं लाइट ब्राउन पेंसिल से कर रही थी वो काफ़ी उभरा हुआ आ रहा है एंड डार्क ब्राउन शेड में आ रहा है। तो जैसे जैसे हम वाटर लगा रहे हैं वैसे वैसे ये बहुत ही वाइब्रेंट लुक दे रहा है। इस तरह से मैं इस पूरी ड्राइंग को उसी वे में ब्रश करते जाऊंगी जिस वे में मैंने अपने पेंसिल से ड्रॉ किया था शेड करते हुए। एक हेयरी लुक देने के लिए मैं उसी टाइप से ब्रश को ब्रश कर रही हूँ जिस टाइप से मैंने अपनी पेंसिल्स को चलाया था। तो धीरे धीरे मैं इसको इसी तरह से करते करते कंप्लीट करूँगी। फ्रेंड्स, आप लोग कहीं मत जाइएगा, वॉच द वीडियो टिल द एंड। जब तक कि मैं इसको कंप्लीट कर रही हूँ, आप इस वीडियो को एंजॉय करें। यहाँ पे मेरी ड्राइंग कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये पसंद आया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज़।